हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट पर। इस वीडियो में हम क्लास 12 के स्टोरी ऑफ इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ जिसमें से क्वेश्चन जरूर लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए इसे जरूर पढ़े, पूरा वीडियो को अंत तक देखें, स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने नोट डाउन भी इसे कर लें ताकि आपको काम आए। तो देखिए, अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि कर लें तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम नए नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कहीं आपका वो छूट ना जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाए, ठीक है। तो देखिए, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, आपका शेयर ही हमारे काम आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी शॉर्ट नोट लिखना है इंग्लिश पर विश्व की भाषा के रूप में, वर्ल्ड लैंग्वेज लिखना है एक शॉर्ट नोट इस पर इंग्लिश पर किस रूप में, एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज यानी विश्व की भाषा के रूप में। दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस सभी का एक ही आंसर होगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी ग्लोबल का मतलब ही भौगोलिक भाषा, पूरे सार्वत्रिक भाषा के रूप में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी पूरे देश भर में, हर देशों में, तो वही बात होगी तीनों का। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर में, सभी का आंसर एक ही होगा, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। कह रहा है कि इसका आंसर होगा इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। शुरुआत तो हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि सब जानते हैं इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है, तो जो यहाँ पे शब्द दिए रहते हैं उसी से हम शुरू कर देंगे। कैसे एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, मान लीजिए वर्ल्ड लैंग्वेज कह रहा है तो वर्ल्ड लैंग्वेज लिखेंगे, ग्लोबल लैंग्वेज कह रहा है तो ग्लोबल लैंग्वेज लिख दीजिएगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के खाली क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज ही लिखिएगा, लिखेगा इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, या ग्लोबल दिया रहेगा तो लिखेगा ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज, बिकॉज क्योंकि इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यह बोली जाती है पूरे विश्व भर में, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व भर में बोली जाती है, ठीक है। फिर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, लार्जेस्ट नंबर मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, यानी बहुत लोग जो है इन द वर्ल्ड पूरे दुनिया में स्पीक एंड रीड इंग्लिश, बोलते भी हैं और लिखते भी हैं इंग्लिश को। ऑलमोस्ट लगभग ऑल द फार्मर कॉलोनीज, लगभग पूरी कॉलोनीज पूरे श्रेणी के लोग, है ना, ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हैड इंग्लिश, यानी ब्रिटेन के पूरे फार्मर कॉलोनीज यानी पूरे जो श्रेणी के लोग हैं लगभग में, उनकी जो इंग्लिश हैड इंग्लिश एज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, यानी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में थी उनके लिए, है ना, शुरू से ही। यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोप के जो देश हैं, लाइक फ्रांस, कैसे जैसे में फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इतिसी, उनकी भी जो इंग्लिश भाषा हैव जो पास कर लेता है तो है, उनकी जो इंग्लिश है एज देयर मेन लैंग्वेज, किस रूप में है तो मुख्य भाषा के रूप में। इवन द चाइनीज, चाइना भी जो है, इवन मैंने भी यानी चाइना भी आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख रहा है भाई, टू कम्पीट, क्यों सीख रहा है तो कम्पीट करने के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए यानी कंपटीशन करने के लिए विद द वर्ल्ड, पूरे विश्व के साथ इन मॉडर्न एज, इस आधुनिक युग में। तो इसलिए ये जो है सो लास्ट में भी कह सकते हैं, सो इंग्लिश इज अ, वी कैन से दैट, या वी कैन से इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, कोई भी कुछ भी बोल सकता हूँ इसके लिए। अगला दूसरा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, यानी अब इंग्लिश का महत्व क्या है भारतीयों के लिए, तो भारतीयों के लिए महत्व क्या है यही बताना है हमें। तो लिखेंगे इंग्लिश इज वेरी इम्पोर्टेंट एज अ लैंग्वेज फॉर इंडियंस, इंग्लिश है बहुत ही इम्पोर्टेंट, किस किस रूप में, एक भाषा के रूप में, किसके लिए, इंडियंस के लिए। इट हेल्प्स, या हम सहायता करता है बस हमें, टू कम्पीट, कम्पीट करने के लिए सहायता करता है विथ वर्ल्ड, पूरे दुनिया के साथ, कम्पीट मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रतियोगिता, कंपटीशन करना, है ना, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट पीपल इन इंडिया, जो अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं इन इंडिया, भारत में, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, बोलते भी हैं अलग अलग भाषा, है ना, वो बोलते हैं अलग अलग भाषाओं को, एंड ऑल लैंग्वेजेस, और जितने भी भाषाएं हैं आर नॉट नोन टू ऑल पीपल, नहीं जानी जाती है भाई, नहीं जानी जाती है सभी लोगों के द्वारा, इसलिए सो इसलिए इंग्लिश वर्क्स, इंग्लिश क्या काम करता है एज अ लिंक लैंग्वेज,
लिंक लैंग्वेज के रूप में काम करता है ना, एज मने रूप में, तो लिंक मतलब जोड़ने का, कनेक्शन करने का भाषा का काम करता है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, किस दौरान, बात करने के दौरान, वार्तालाप के दौरान। इंग्लिश ब्रिंग्स, इंग्लिश लाती है डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पर ला देती है। क्यों? क्योंकि सब इंग्लिश जानते हैं, हर देशों के लोग भी जानते हैं और अन्य लोग भी इंग्लिश जानते हैं। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर यूज, सॉरी यस है, इंग्लिश है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि आवर कंट्री इज डेवलपिंग, क्योंकि हमारा देश जो है डेवलपिंग है, मतलब विकसित हो रहा है अभी। एंड वी हैव टू सेट ट्रेड, और हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर अर्थ लेता है जब हैव के बाद टू आ जाता है वर्ब, सेट करना है, सेट मतलब संबंध बनाना है व्यापार का, किसके साथ, अन्य कंट्रियों के साथ, अदर कंट्रियों के साथ, ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सो इसलिए वी शुड हैव नॉलेज, हमें ज्ञान होना चाहिए, किसका, इंग्लिश का, ऑफ इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश यानी बिना इंग्लिश के वी कैन नॉट बी डेवलप नहीं हो सकते हैं, विकसित नहीं हो सकते हैं ना। सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, यहाँ से इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए। तो देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा असर करा रहा हूँ, इसमें से जरूर एक एग्जाम में आएगा आपके। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में जो है इंडिया में इंग्लिश का जो फ्यूचर है क्या है, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का जो फ्यूचर है इन इंडिया, भारत में, इज वेरी ब्राइट, बहुत ही चमकीला है भाई। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश जो है लिंक लैंग्वेज है, एंड इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन द इंडिया, इन इंडिया। तो ये जो भाषा है, इट इज यानी यह फैल रहा है हर जगह भारत में, है ना, सही बात है। इंग्लिश तो बहुत तेजी से फैल रहा है भारत में, और आपको भी जो अपने से सोचता है, आप भी जो इंग्लिश के बारे में लिख सकते हो वो भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरा वाला, ठीक है ना। आपको को भी कहीं से भी याद पड़ता है और उसे लिखना चालू कर दीजिए, इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैथ नहीं है कि उसको बनाना है, इस तरह से लिखना ही आपको। इंग्लिश प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इंग्लिश जो है निभाती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में, आवर लाइफ। इंग्लिश ऑल्सो हेल्प्स, इंग्लिश हमारी मदद भी करती है टू रिमूव, हटाने में, रिमूव करने में, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को, बिकॉज क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, हजारों की हजारों एम्प्लॉयज, यानी रोजगार लोग जो है, हु नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जो जानते हैं कैसे इंग्लिश बोली जाती है या इंग्लिश बोलना जानते हैं, है ना, हाउ टू लगाता है यानी इंग्लिश, जो जानता है उसके लिए हाउ टू का प्रयोग करते हैं। वर्क्स इन कॉल सेंटर, वही क्या करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, एंड अर्न गुड मनी, बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं, गुड मनी नहीं बेस्ट मनी भी कमाते हैं। सो द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश का जो फ्यूचर है इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, भारत में बहुत ही ब्राइट है। अब देखिए ओल्ड इंग्लिश पर नोट लिखना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पर नोट लिखना है, तो इसको भी देख लीजिए। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज फ्रॉम एडी एनो डोमिनी, एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, ईसा से पूर्व का अर्थ लेता है, 449 टू एडी 1066, यानी ओल्ड इंग्लिश का जो अवधि है कहाँ से कहाँ तक है, तो 449 से 1066 से है ना, 1066 से नहीं 449 से 1066 तक का है। द पीरियड वॉज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, ये जो पीरियड है, यह पीरियड जो था क्या था, तो चाइल्डहुड था यानी बचपन था इसका, इंग्लिश का, ऑफ इंग्लिश। फिर यहाँ पे एट दैट टाइम, उस समय में या उस समय पर, इंग्लिश वॉज प्योरली ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स, उस समय जो इंग्लिश था पूरी तरह से, प्योरली मतलब शुद्ध रूप से एक मिक्सचर था, मिश्रण था, किसका, अलग अलग क्षेत्र बोलियों का। डायलेक्ट्स माने बोलियां होती हैं, जैसे हमारे राज्य में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोलियां हैं, उन्हीं सभी का मिश्रण था। शुद्ध भाषा कहें तो शुद्ध भाषा नहीं था, प्योरली था, लेकिन यहाँ पे प्योरली में लिया क्योंकि अलग, पूरी तरह से, प्योरली का मतलब पूरी तरह से। ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्सियल था उस समय, क्षेत्रीय भाषा था, मतलब हर जगह नहीं बोला जाता था, केवल अपने क्षेत्र में बोला जाता, जैसे आपकी भाषा है आप ही के क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे दुनिया या अलग अलग जगहों पर नहीं बोली जाती, उसी तरह। इट्स वर्ड्स वेयर, अच्छा इट्स वर्ड यानी इसके जो शब्द थे, रिटन एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली,
बहुत ही अजीब तरीके से लिखे भी जाते थे और बोले भी जाते थे। इट हैज नो ग्राम, इसका कोई ग्रामर भी नहीं था। मैनी मैनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स, यानी ओल्ड इंग्लिश शब्दों में से कई सारे, एंड स्ट्रक्चर्स और उनके बनावट, हैव गोन आउट ऑफ यूज टूडे, वो चले गए हैं, हटा दिए गए हैं आज के यूज से, है ना, जो आज हम यूज करते हैं उससे हटा दिए गए जानबूझ के, क्योंकि पूरा ही बेकार था। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल्ड टू प्रोड्यूस लिटरेचर, जो ओल्ड इंग्लिश का समय था वो फेल कर गया प्रोड्यूस करने में, यानी उत्पन्न करने में, लिखने में, या लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा इसका, है ना, अधिक महत्व में लिटरेचर नहीं लिखा जा सकता था इसके लिए, इसलिए फेल कर गया। एज कोर्ट पेट्रोनेज, कहाँ पर, तो किस कोर्ट पेट्रोनेज, कोर्ट मतलब यहाँ पे अदालत ले सकते हैं, है ना, वहाँ पे भी ये फेल कर गया, महत्वपूर्ण भाषा नहीं रहा। वाज लेकिन, यहाँ इसकी कमी थी, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि हाँ एज है ये, एज कोर्ट पेट्रोनेज वाज लेकिन, इसका बहुत कम यूज होता था सरकारी दफ्तरों में, ऑफिसों में, एट द टाइम, उस समय, एंड एज द एज कम टू बी नोन एज द डार्क एज, और उस समय जो है ओल्ड इंग्लिश का डार्क यूज, डार्क एज यानी अंधेरा युग इसका आ गया था, तो उस युग को जाना जाता है किस रूप में, कम टू बी नोन किस रूप में जाना जाता है, एज अ डार्क एज, डार्क एज के रूप में जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखना है, तो देखिए, द पीरियड फ्रॉम AD 1150 टू 1500 इज कॉल्ड द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो पीरियड है, पीरियड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1150 से 1500 तक का, ये क्या कहलाता है, इसी एज को कहा जाता है मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश भाषा के इतिहास में, है ना, इंग्लिश इंग्लिश भाषा के इतिहास में, बड़ा उल्टा चलता है पीछे से, है ना। द मिडिल इंग्लिश बोरोड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, जो मिडिल इंग्लिश है उधार लिया है, यानी उधारी कर्जदार है बेचारा, ए लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों को कहाँ से, फ्रेंच से लिया है व लैटिन से लिया है। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में, द ग्रेट वावेल शिफ्ट, ग्रेट वावेल यानी कई सारे वावेल शिफ्ट, अच्छा ग्रेट वावेल शिफ्ट इन्वॉल्व्ड ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वावेल्स, मतलब कि उसमें क्या हुआ, इस युग में कई सारे वावेल को शिफ्ट किया गया, उसका नाम ही पड़ गया ग्रेट वावेल शिफ्ट, ये इन्वॉल्व हुआ, विकसित हुआ ए सीरीज ऑफ चेंजेस, किस सीरीज में शुरू हुआ, विकसित हुआ, तो चेंज के रूप में, बदलाव के रूप में, बदलाव की श्रेणी के रूप में यह आया, इन द प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के उच्चारण में, ऑफ द इंग्लिश, है ना, लॉन्ग वावेल्स लंबे वावेल्स के, तो जो लंबे लंबे वावेल्स थे उनको चेंज कर दिया गया, यानी वहाँ पे ग्रेट वावेल शिफ्ट का समय आ गया। द ग्रामर आल्सो वेंट अंडर सम रिमार्केबल चेंजेस, जो ग्रामर था वह भी जो है चला गया अंडर सम रिमार्केबल चेंजेस, कुछ चिन्हित बदलावों में चला गया, ठीक ना, कुछ चिन्हित बदलावों के अंदर चला गया, मतलब उनमें क्या किया गया कि जैसे हेड थे पहले, जो आप हेड देखते हैं HAD, तो हेड पहले नहीं था, HATS था, हेड था, हटा गए, कुछ कुछ शब्दों में बदलाव किया गया, कुछ शब्दों को पूरी तरह से हटा दिया गया, ठीक है। द फिर कह रहा है द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड्स ऑर्डर, यानी कि धीरे धीरे जो लॉस हो रहा था इसके प्रभावों की धीरे धीरे लॉसिंग एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड्स ऑर्डर, जो शब्दों के ऑर्डर यानी क्रम फिक्स हो रहे थे उसके चलते, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था इस पीरियड में। तो ये ख़त्म हुआ, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी देने वाले हैं उनको मिल जाए क्वेश्चंस, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी से तैयारी कर लें। आप अपने से भी लिख सकते हैं बनाकर, जो भी आए, जो याद शब्द पढ़े, जो वाक्य याद करे उसी को लिखिए, जब नहीं के जो मैं लाइन बाय लाइन लिखा उसी को लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।